कुछ तो लोग होते हैं मतलबी और बेकार, कुछ तो लोग होते हैं मतलबी और बेकार, फिर आती है कैकई और मंथरा की सरकार। कुछ तो लोग होते हैं मतलबी और बेकार, फिर आती है कैकई और मंथरा की सरकार। इनमें भी अति निकृष्ट श्रेणी के जो दुश्मन होते हैं, इनमें भी अति निकृष्ट श्रेणी के जो दुश्मन होते हैं, बस उनमें ही गिने जाते हैं हमारे अपने रिश्तेदार। खूबियाँ आपकी ये नहीं देखेंगे कभी, एंड दैट्स ट्रू। ठीक है, खूबियाँ नहीं देखेंगे इनको। शर्मा जी का बेटा इतना लाया है, पर बेटी क्या लाई है वो तो देखेंगे ही नहीं। तो खूबियाँ आपकी ये नहीं देखेंगे कभी, ताने मारना है इनका जन्म सिद्ध अधिकार। हमारी आस्तीन के यही तो असली सांप है, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं अपने रिश्तेदार। परिवार के झगड़ों के कर्ता धर्ता यही होते हैं, हमारे भविष्य का जो तय करते हैं आधार। भगवान भी खुश हो जाए एक बार तो हमसे, बस कभी खुश नहीं होते हमसे ये हमारे रिश्तेदार। हमारे घर पर जो भरपूर नज़र रखते हैं हर पल, चाहे पड़ोस की आंटियाँ हों या रिश्तेदार, घर पे नज़र सबकी रहती है। हमारे घर पर जो भरपूर नज़र रखते हैं हर पल, अच्छा बनने का जो दिखावा करते हैं हर बार। बाहर से तो बड़ा मुस्कुरा कर बातें करते हैं, दिल ही दिल में बड़ा जलते हैं ये रिश्तेदार। नेक्स्ट, आप सब लोग रिलेट कर सकते हो, एज यू आर बिटवीन 20 to 26, इतने ही होंगे ना, तो ये रिलेट कर सकते हो। हमारे विवाह की चिंता इन्हें सबसे ज़्यादा है, ये हमारे विवाह की चिंता इन्हें सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखते हैं कैसा है हमारा आचार विचार। हमारे विवाह की चिंता इन्हें सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखते हैं कैसा है हमारा आचार विचार। हर दूसरे दिन विवाह हेतु जो रिश्ते बता देते हैं, हर दूसरे दिन विवाह हेतु जो रिश्ते बता देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे हमारे रिश्तेदार। और ये आखिरी है कि खुदा ने भी किसी जन्म का बदला ही लिया है शायद, खुदा ने भी किसी जन्म का बदला ही लिया है शायद, फिर भी आज प्रकट करते हैं हम अपना आभार। ये खुदा ने किसी जन्म का बदला ही लिया है शायद, फिर भी हम प्रकट करते हैं आज अपना आभार। ऐसे तो दुश्मन भी ना देता होगा खुदा किसी को, ऐसे तो दुश्मन भी ना देता होगा खुदा किसी को, जैसे दे दिए हैं इस जन्म में हमें हमारे रिश्तेदार। तो इसके बाद में मैं घर पे जाके पिटने तो बहुत वाली हूँ, पर ठीक है चलो। कुछ लाइनें लिखी थी, महबूब मेरा वो कुछ ऐसी मेरी हालत करता है, महबूब मेरा वो कुछ ऐसी मेरी हालत करता है, इल्ज़ाम मुझ पर लगा खुद ही शरारत करता है। महबूब मेरा कुछ ऐसी मेरी हालत करता है, इल्ज़ाम लगा वो खुद ही शरारत करता है। मोहब्बत करता भी है या नहीं ये शक है मुझे अब, मोहब्बत करता भी है या नहीं ये शक है मुझे अब, दिल तोड़ मेरा फिर खुद ही मरम्मत करता है। अपना नाम लेने को मुझे मना कर जाता है वो, अपना नाम लेने को मुझे मना कर जाता है वो, मेरे नाम से खुदा की फिर वो इबादत करता है। कहता है कि याद नहीं करता मुझे किसी पल में भी, कहता है कि याद नहीं करता मुझे किसी पल में भी, जाने क्यों फिर अपनी हर रात कयामत करता है। अल्फाज खामोश हैं पर नम आँखें कह जाती हैं, अल्फाज खामोश हैं पर नम आँखें कह जाती हैं, वो अब भी मुझसे वही बेइंतहा मोहब्बत करता है। शुक्रिया। कोई दोहा सुनने में इंटरेस्टेड है? ऐसे मुझे नहीं पता कि मैं गा सकती हूँ या नहीं ढंग से, बट आई कैन ट्राई। ओके, तो ये एक यहाँ पे एक आर्टिस्ट आई थी मधु भारद्वाज करके, पहला जो दोहा है वो उन्हीं का है और उसके आगे मैंने अपने कंटिन्यू किए हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि रुकमन ने कहा राधा से, रुकमन ने कहा राधा से, मैं गई जीत कर हार, कृष्णा की पत्नी तो बनी पर राधा तुम हो प्यार, कृष्णा की पत्नी तो बनी पर राधा तुम हो प्यार। इस बात पे राधे रानी का जो जवाब आता है वो ये आता है कि राधे बोली रुकमन से, राधे बोली रुकमन से, तुम रहो कृष्ण के संग, कृष्ण तो मेरे मन में है, रंग गई हूँ उसके रंग, कृष्ण तो मेरे मन में है, रंग गई हूँ उसके रंग। अब इन्हें नहीं पता कि कृष्ण जो हैं वो इन दोनों की बातें वहाँ सुन रहे हैं, तो ये सुनकर कृष्ण के मन में क्या विचार आता है, कृष्णा ने जब ये सुना, कृष्णा ने जब ये सुना, तो भूले दिन और वार,
रुकमन मेरी नाव है तो राधा तुम पतवार, रुकमन मेरी नाव है तो राधा तुम पतवार। और राधे और रुक्मणी का, दोनों का ही कृष्ण के जीवन में क्या महत्व है। बिन राधे मैं कृष्ण कहाँ, बिन राधे मैं कृष्ण कहाँ, बिन रुक्मन कैसे शाम, राधा से गोविंद बनू तो रुक्मन संग घन श्याम, राधा से गोविंद बनू तो रुक्मन संग घन श्याम। थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में हमारी दो फेवरेट वीडियोस आ रही हैं, इनको देख के जरूर जाइएगा।